हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में राजेश साहू के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, आज कक्षा 10 के छात्रों के लिए हिंदी व्याकरण शीर्षक के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय आदि को सम्मिलित किया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से 2 अंक की वृद्धि करता है। तो आइए देखते हैं उपसर्ग क्या होता है और प्रमुख उपसर्ग जो कि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं उनको सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग वह शब्द या अक्षर होता है जो किसी शब्द से पहले जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, तो वह शब्द उपसर्ग कहलाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले प्रयोग किया जाता है, जबकि इसका दूसरा हिस्सा होता है प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है। तो आइए आप कुछ मुख्य उपसर्ग देख लेते हैं और उसके द्वारा निर्मित शब्द भी देखते हैं। तो हाई स्कूल पाठ्यक्रम में निर्धारित उपसर्ग जो हैं उसमें आपका पहला सब अक्षर होता है आ, अर्थात छोटा आ। अब इससे हमें कुछ ऐसे शब्द 2 या 3 शब्द लिखने हैं जिसमें पहले आ निकले, तो जैसे अज्ञान, अनजान, अमर, अचेत आदि। इस प्रकार से हम 4, 5 या 3 तक लिख रहे हैं और परीक्षा में अधिकांश 1 या 2 ही लिखने के लिए आते हैं। अगला देखते हैं अधि, अधि। अब इसके शब्द देखते हैं अधिकार, अधिग्रहण, अधिकतर, अधिमान आदि। अगला शब्द देख लेते हैं अप, अपमान, अपकार, अपशकुन, अपयश आदि। तो इस प्रकार से हम 3, 3 या 4 लिख रहे हैं ताकि कम से कम 2-2 आप लोगों को जरूर याद रहें। अगला देख लेते हैं अनु, इसमें अनुभव, अनुमान, अनुशासन अनुकरण आदि। अगला शब्द देख लेते हैं उप, उपकार, उपमान, उपमेय, उपहार आदि। अगला देख लेते हैं सह, सहकर्मी, सहयोगी, सहयोगी, सहगामी, सहभोगी आदि। अगला शब्द परि, जैसे परिभाषा, परिक्रमा,
परिमाण, परिमाप आदि। अगला देख लेते हैं सु। सु का अर्थ होता है अच्छा या सुंदर। तो सुकर्म, सुयश, सुपुत्र, सुदेश आदि। अगला शब्द देख लेते हैं निर। रा के नीचे हलंत लगा देंगे निर। इसको देखते हैं निर्धन, निर्बल, निर्भय, निर्गुण आदि। और इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि परीक्षा में ऐसे उपसर्ग ना पूछ करके कुछ चार या पांच शब्द दे दिए जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। तो अथवा करके ऐसा पूछते हैं तो हम देख लेते हैं, जैसे चार पांच शब्द दिए हैं सुकर्म, उपकार, अनुभव, अनुभव, अमर, परिमाप, ऐसे शब्द दिए रहते हैं और पूछता है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे आइए देख लेते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे ऊपर हम एक तरफ किनारे लिख लेंगे शब्द, उसके बाद दूसरे नंबर पर लिख लेंगे उपसर्ग और तीसरे नंबर पर लिख लेंगे मूल शब्द। और इस प्रकार से शब्द आपका दिया था ये सुकर्म, तो इधर शब्द में लिखेंगे सुकर्म। अब इसमें उपसर्ग अलग कर देंगे, अर्थात इसमें उपसर्ग था सु और मूल शब्द था कर्म। दूसरा शब्द आपका था उपकार, उपकार, तो उप उपसर्ग हो गया और कार मूल शब्द हो गया। अनुभव, तो अनु उपसर्ग हो गया, भव मूल शब्द हो गया। अगला था अमर, तो अमर में आ उपसर्ग हो गया, अमर मूल शब्द हो गया। अगला शब्द था परिमाप, तो परि उपसर्ग हो गया और माप मूल शब्द हो गया। इस प्रकार से परीक्षा में शब्द और उपसर्ग अलग अलग छांटने के लिए भी कहा जा सकता है, या फिर कुछ उपसर्ग दिए होंगे और उनसे नए शब्द बनाने के लिए भी कहा जा सकता है। अब इसी शीर्षक के अंतर्गत अगला शीर्षक जो होता है वो आपका होता है प्रत्यय। प्रत्यय, अब प्रत्यय का ये सिस्टम होता है कि मूल शब्द के अंत में हमेशा जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। जैसे आपका मूल शब्द दिया गया सरल और आपको बताया गया कि ता प्रत्यय का प्रयोग कीजिए, तो सरल यह शब्द हो गया और ता प्रत्यय इसमें मिला दिया गया तो आपका शब्द बनकर तैयार हुआ सरलता। इस प्रकार से जो प्रत्यय होता है वो हमेशा मूल शब्द के अंत में प्रयोग होता है। तो आइए परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय को शब्द निर्माण के साथ देखते हैं। तो इसमें पहला प्रत्यय आपका ता ही देख लेते हैं, ता। अब इससे हम शब्द बना रहे हैं सरलता, महानता, कठिनता आदि। अगला शब्द आई, आई
तो इसमें खटाई, मिठाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इस प्रकार से बहुत से शब्द हैं जिसको हम लिख सकते हैं। अगला देखते हैं पन। पन प्रत्यय, इससे बचपन, लड़कपन और पचपन, छप्पन, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला देख लेते हैं आहट। आहट, तो इसमें जगमगाहट, खड़बड़ाहट, भिन भिनाहट, इस प्रकार से लिख देंगे। अगला देख लेते हैं आनी। तो अब ऐसे शब्द बनाना है जिसमें अंत में आनी निकले, तो जैसे देवरानी, जेठानी, पगलानी, अकुलानी आदि। अगला देख लेते हैं आवा। आवा, जैसे पहनावा, दिखावा, सजावा आदि। अगला देख लेते हैं वट। वट, वट, तो सजावट, दिखावट, मिलावट आदि। अब इसके बाद देखते हैं तो, अधत्ता अववा त्व, महत्व, ममत्व, कृतित्व, व्यक्तित्व, इस प्रकार से कई शब्दों को लिख सकते हैं। अगला देखते हैं जैसे हारा, तो लकड़हारा, बेसहारा आदि। अगला देख लेते हैं आकू। आकू, आकू में जैसे चाकू, डाकू, तंबाकू आदि। और एक दो शब्द और देख लेते हैं जैसे वैया। वैया, तो सवैया, गवैया, रवैया आदि। आइन, 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 इसमें देखते हैं पंडिताइन, ठाकुराइन, सॉरी ठाकुराइन, 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 बनियाइन आदि, इस प्रकार से आइन के हो गए। एक और देख लेते हैं औती। औती, औती में चुनौती, पनौती, कठौती आदि। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, जो कक्षा 10 की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रत्यय थे उनको हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश की। आशा है आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर काफ़ी ज्ञान प्राप्त करेंगे।